बाहर से वकील शो करते हैं कि मैं वकील हूँ, तो जो क्लाइंट आता है बाहर से, जो क्लाइंट आता है उसको क्या पता कि वकील है या नहीं। इनका गेटअप ऐसा होता है कि टाई लगा के, कोट पहन के ये बैठे होते हैं, और ये जो भी बंदा बाहर से आता है उसको ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं वकील हूँ। हमने ये माजरा उठाया, हमने पंजाब बार काउंसिल में एप्लीकेशन दी लाहौर में, वो हमारे पास नोटिस मौजूद है, मैं वो भी दे देता हूँ। ये 21 तारीख जो थी वो हमारी थी पंजाब बार काउंसिल में, तो पंजाब बार काउंसिल ने इनको भी बुलाया, वहाँ पे हमको भी बुलाया वकील बन के। तो वहाँ पे जो था ये सारे प्रूफ हम साथ लेके गए, और जो जूरी थी वहाँ पे पंजाब बार काउंसिल में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो था वहाँ पे ये हियरिंग थी, तो उन्होंने जो था वो ताहर साहब को वहाँ पे भी बुलाया, हमें भी बुलाया, हमसे ये सारे प्रूफ लेके गए वहाँ पे। और जो ताहर साहब थे इन्होंने वहाँ पे एडमिट किया कि जी मैं बिल्कुल वकील नहीं हूँ, काला कोट पहन के पैंट पहन के जो है वो कचहरी में जाता हूँ अरसा दराज से। मुट्टा साहब ने एक पेपर पेश किया, ये जो ताहर साहब है जी ये स्टूडेंट है, और वो मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट थे 2016 या 17 में गालिबा उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन जो इनका बैच था वो 2019 या 20 में कम्प्लीट हो चुका है, वो जो स्टूडेंट थे वो पास आउट हो चुके हैं 2020 में, तो अभी तो 2022 चल रहा है, तो अभी इसका मतलब ये तो नहीं है कि 15 एडमिशन ले लिया 2015 में और 2025 तक वो स्टूडेंट ही रहे और कचहरियों में टाई लगा के आए और कहे जी मैं वकील हूँ। और अगर स्टूडेंट भी है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बंदा भी है जब तक वो लॉ पास नहीं करता तब तक वो LLB नहीं लिख सकता और काली टाई भी नहीं लगा सकता, काला कोट भी नहीं पहन सकता। अगर वो स्टूडेंट भी है और वो किसी वकील के साथ बैठ के प्रैक्टिस भी कर रहा है या करना चाहता है, तो मेरे ख्याल में उसको मरून टाई जो है वो लगानी चाहिए, मरून टाई लगा के वो वहाँ पर बैठ सकता है, तो उसके साथ वो सी जो है वो डाल सकता है, जिसका मतलब होता है कि कंटिन्यू एज अ स्टूडेंट मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब उसके साथ सी लिखना चाहिए। तो इन मसूफ ने ये जो फोटो है ये देखे, ये इन्होंने फेसबुक पे लगाई थी, तो जब मैंने ये स्क्रीन शॉट ले लिया, ये फोटो मैंने बना ली, तो जब ये ताहर सिंह साहब को पता चला कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं पंजाब बार काउंसिल में, तो इन्होंने वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन ही जो थी वो ये फेस अपनी ये जो रिमूव कर दी, और इन्होंने ये देखे ये फिर अगले दिन जो मैंने स्क्रीन शॉट लिया उसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें ये देखिए इन्होंने जो LLB और MSc था वो रिमूव कर दिए, इसमें LLB भी नहीं है और MSc भी नहीं है। तो ये जो है ये आपके सामने ये डॉक्यूमेंट भी जाहिर करता है कि एक बंदा अगर LLB है अकाउंट पे LLB लिखा हुआ है, और वेरी नेक्स्ट डे जब केस हम करते हैं उसके ऊपर तो वो LLB भी रिमूव कर देता है, MSc भी रिमूव कर देता है। उन्होंने जो जज साहब बैठे हुए थे उन्होंने बड़े जबरदस्त सवाल किए और बड़े सदा सवाल किए भुट्टर साहब से किए, ठीक है, और जो उधर हुआ मुझे अफसोस, सीनियर वकील हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग जो उधर बंदे ने जो सारे सवाल हुए हैं सारा कुछ हुआ एक बंदे ने रिकॉर्डिंग भेज दी है उसकी, ठीक है। तो बाकी तार जैसे तो उसने ऑन नहीं किया, चले MSc ऑन कर लेता, इसके खिलाफ हम MSc के खिलाफ भी इसके पीछा करेंगे, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो वकला हजरात हैं सीनियर वकला और पढ़े लिखे वकला जिनके पास असली डिग्री है जिन्होंने मन मारा हुआ पढ़ाई में, वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे इस बात पर, और उनको खड़ा होना चाहिए। ये जाली वकील जो बने हुए हैं काला कोट पहन के काली टाई लगा के किस तरह लगा सकते हैं ये, और 2000 रुपये ये केस पकड़ लेते हैं, और वहां पर जो सीनियर वकला हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार बार में क्या हो रहा है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि ये बहुत गलत चीज़ है, इन नासूरों को, ये जो नासूर हैं इस माशरे में, इस तरह के ये अताई वकील जिसको कह देते हैं अताई वकील, जिस तरह डॉक्टर अताई होता है ना, किसी का गलत ऑपरेशन करके गुर्दा निकाल दिया, नुकसान कर दिया सारी जिंदगी के लिए, इसी तरह गरीब हो या अमीर हो क्लाइंट क्लाइंट होता है, उसका नुकसान जो होता है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। इसलिए मैं अपनी गोजराबाद से सदर साहब से जनरल सेक्रेटरी साहब से इल्तमास करूंगा कि हमारे साथ वो खड़े भी हुए हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं खड़ा हुआ, मुझे बड़े बड़े वकीलों के टेलीफोन आए हैं, बड़े बड़े सीनियर वकला के, और मुझे सदर बार पे पूरा इतमाद, उन्होंने लेटर बना के दिया इसके खिलाफ कि ये वकील नहीं है, इसका वोट नहीं है, वो हमने उधर सबूत के तौर पर पेश कर दिया। ओके जी।